हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रेश एलोवेरा फेशियल एट होम। इसके लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा ले ली है, इसको थ्री पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इसके थ्री स्टेप्स मैंने करने हैं, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और लास्ट में फेस पैक अप्लाई करना है। इसको साइड से कट करके और ऊपर से भी कट कर लेना है। ऐसे ही इन तीनों को अच्छी तरह से कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्लिंजिंग करनी है और सेकंड हमें स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग के लिए आपको एलोवेरा के बीच में ऐसे ऐसे कट लगाकर इसमें शुगर ऐड करनी है। आप चाहें तो चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे हमें स्क्रबिंग करनी है और थर्ड हमें एलोवेरा को इसके बीच में से निकाल लेना है। ऐसे इसके बीच कट लगा लिए, स्पून की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से कट लगा के इसमें से एलोवेरा को निकाल लीजिए। और अब इसमें मुझे बेसन ऐड करना है, हाफ चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और एक विटामिन ई का कैप्सूल। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एलोवेरा फेस पैक रेडी है। तो सबसे पहले मुझे अपने फेस पे क्लिंजिंग करनी है, इसके लिए मैंने एलोवेरा ले लिया और इस अपने फेस पर अच्छी तरह से इसके 2 मिनट्स के लिए मसाज करनी है। अपने फेस पे, अपने नेक पे अच्छी तरह से इसकी मसाज कीजिए। एलोवेरा के फ़ायदे तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है। एलोवेरा से जो भी हमारी डेड स्किन है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। डैमेज स्किन जो हमारी, अब समर चल रहा है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। एलोवेरा में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। अपने फेस पे अच्छी तरह से इसकी मसाज कीजिए 2 मिनट्स के लिए। और अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया आफ्टर 2 मिनट्स मसाज के बाद और एक क्लीन टॉवल की हेल्प से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब सेकंड मुझे स्क्रबिंग करनी है। इसमें हमने जो शुगर ऐड किया वो स्क्रबिंग का काम करेगी। शुगर की वजह से ये स्टेप थोड़ा सा मैसी हो सकता है, बट एट द एंड आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छी तरह से अपने फेस पे इसकी मसाज कीजिए। अपनी आईज के नीचे, अपनी लिप्स की साइड पे जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और धूप के कारण जो भी आपकी स्किन डैमेज हुई होगी वो भी ठीक हो जाएगी। इसकी भी आपको 2 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से मसाज करनी है अपने फेस पे, अपने नेक पे, और आफ्टर 2 मिनट्स अपने फेस वॉश कर लीजिए। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मुझे अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई करना है। इसमें हमने बेसन और एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है। अच्छी तरह से इस पैक को अप्लाई कीजिए। मैंने ये पैक थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था तो मैंने अपने हाथों पे भी इसे अप्लाई किया अच्छी तरह से स्क्रबिंग करके। आपको इसे 10 मिनट्स के लिए रखना है और आफ्टर 10 मिनट्स अपना फेस वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।